क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल करना है। कुछ प्रश्न को हम लोग पहले हल कर चुके हैं। आज प्रश्न दिया हुआ है 3 अनुपातों में या अनुपातों a1/a2 कोमा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यानी हम लोग का आज जांच करना है संगत है या असंगत। याद रखिएगा a1/a2 अब बराबर नहीं होगा b1/b2 तो ये क्या कहलाएगा संगत। a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2 क्या कहलाएगा संगत। a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 क्या कहलाएगा असंगत। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 क्या कहलाएगा असंगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या कहलाएगा संगत। क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 3x+2y=5 है, 3x-3y=7 ना 7 3x+2y=5 2x-3y=7 कितना है 7। अब इसमें हम लोग समीकरण को एक होगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3x+2y इधर प्लस में इधर आएगा तो -0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर जो 1 होता है उसे a1 b1 और c1 प्राप्त होता है। a1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा -5। यहाँ पे आप देख लीजिए 2x-3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7=0। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 2। आप समीकरण 2 से हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा a2 2 b2 -3 और c2 -7 ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब हमको देखना क्या है a1 बटा a2 3 बटा कितना हो जाएगा 2। इसके बाद b1 बटा कितना हो जाएगा b2 यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा -3। अब आपको देखना है 3/2 बराबर है क्या 2/3 ये बराबर नहीं है। ये बराबर क्या है नहीं है ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा संगत। तो ये जो समीकरण हम लोग का है संगत हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा हम लोग का संगत। a1/a2 अब बराबर नहीं हुआ b1/b2 तो ये हम लोग का क्या हो गया ये हम लोग का हो गया संगत। ये हम लोग का क्या हो गया संगत। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर हम अगला समीकरण को आगे आप लोग को बता रहे हैं फिर बताएंगे। चलिए अब इसको अपन हटाते हैं। अब अगला प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को देखना है समीकरण 3/2 लिखा गया है 2x-3y=8 है और यहाँ पर लिखा गया है 4x-6y=9 है। अब हम लोग देखना है
ये हो जाएगा दो एक्स माइनस तीन वाई, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर जीरो, इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा चार एक्स माइनस छः वाई, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर जीरो, इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मानेंगे, दो मानेंगे। अब यहाँ पर देखना है समीकरण एक से जो प्राप्त होता है, समीकरण एक से प्राप्त जो होता है ए वन होता है, ए वन बराबर दो, बी वन बराबर कितना माइनस तीन, और सी वन बराबर कितना हो जाएगा माइनस आठ। अब यहाँ पे समीकरण दो से क्या प्राप्त हो जाएगा, ए टू बराबर चार, बी टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस छ, और सी टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस नौ, सी टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस नौ। अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ए वन बटा ए टू तो दो बटा कितना हो जाएगा चार, बराबर बी वन बटा बी टू, बराबर यहाँ पे आठ बटा कितना हो जाएगा नौ, माइनस सी बी माइनस, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो एकम दो दूसरी के चार, एक बटा दो बराबर तीन एकम तीन, तीन दूना छः, एक बटा दो बराबर नहीं होगा आठ बटा कितना नौ, बराबर नहीं होगा ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू। यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होगा, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं होगा, सी वन बटा सी टू, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको असंगत बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे असंगत। ये क्या है हम लोग का असंगत है, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटा बी टू बराबर, सॉरी ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं होगा सी वन बटा सी टू, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग असंगत बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे असंगत। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तीसरा प्रश्न कौन सा है, तीन बटा दो एक्स प्लस पांच बटा तीन वाई बराबर सात, और यहाँ पे नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा चौदह। आप देख लीजिए आप तीन बटा दो एक्स प्लस पांच बटा तीन वाई, फिर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक। यहाँ पे हो जाएगा नौ एक्स माइनस दस वाई, फिर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना हो जाएगा जीरो, समीकरण नंबर हो जाएगा दो। समीकरण एक से आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ए वन प्राप्त होगा तीन बटा दो, बी वन प्राप्त होगा पांच बटा तीन, सी वन प्राप्त होगा माइनस सात। अब हम लोग को देखना है ए टू प्राप्त होगा नौ, बी टू प्राप्त होगा माइनस दस, और सी टू प्राप्त होगा कितना माइनस चौदह। ए वन बटा ए टू तीन बटा दो तो होल बटा कितना हो जाएगा नौ, हम लोग का हो जाएगा बराबर पांच बटा तीन के बटा कितना हो जाएगा माइनस दस, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस सात बटा माइनस चौदह। आप यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है तीन बटा दो पूरा हो जाएगा एक बटा नौ, बराबर पांच बटा तीन पूरा हो जाएगा एक बटा दस, बराबर हो जाएगा यहाँ पे सात एकम सात, सात दुना चौदह यानी हो जाएगा एक बटा दो, पांच दुना दस इतनी का नौ, एक बटा छ बराबर हो जाएगा एक बटा छ बराबर नहीं है एक बटा दो का, तो ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू और बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू, तो ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू और बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू, तो क्या हो जाएगा असंगत। तो हम लोग का समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर तीन के तीन, तीन का जो कहा तीन है ये भी क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ये भी कहा जाएगा असंगत। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये भी कहा जाएगा आप लोग का असंगत।
चलिए आप लोग ये जो क्वेश्चन है तीन नंबर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर दे रहा है संगत, लेकिन हम लोग बनाए तो आया है क्या असंगत, इसको देख के थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट पे कीजिए, फिर कल बताया जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का तीन का क्वेश्चन नंबर चार, 5x-3y=11 और यहाँ पे हो जाएगा -10x-3y=11। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग यह 5x-3y यहाँ पे -11=0, इसको समीकरण नंबर एक कर दो, -10x-3y-11=0, इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, दो कर दो। a1 = कितना समीकरण एक से a1 5, b1 -3, c1 -11, a2 कितना हो जाएगा -10, b2 कितना हो जाएगा -3, c2 कितना हो जाएगा -11। अब a1 कितना होता है a2, 5 - -10, 3 - -3, 11 - -11, -11, -11। अब ये देखिए 1 कितना हो जाएगा, बराबर दे दो, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, माइनस में बराबर नहीं है 1/1, तो ये जब हम a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2, तब हम लोग क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा संगत, a1 / a2 अगर आवरे नहीं है b1 / b2 तो क्या हो जाएगा संगत। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर,4/3x+2y = 8, और यहाँ पर कितना 2x+3y = कितना जाएगा 12, 4/3x+2y = 8, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, 2x+3y = 12 कितना हो जाएगा 0। आप समीकरण 1 से आप लोग का a1 होता है 4/3, b1 होता है 2, c1 होता है -8, a2 होता है 2, b2 होता है 3, और c2 होता है कितना -12। a1 / a2 यहाँ पर हो जाएगा 4/3 / कितना हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -8 कितना हो जाएगा -8 कितना हो जाएगा -12, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 4/3 × 1/2 = 2/3, इसको कटा दीजिए, 4 × 8 = 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 2/3 = 2/3 = 2/3, a1 / a2 = b1 / b2 = c2, ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा संगत। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।